देखो, तो चैप्टर 12 को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है डेसिमल, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेसिमल को समझते हैं, सबसे पहले डेसिमल को समझते हैं। डेसिमल किसको बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन का स्पेशल फॉर्म है जिसमें हमको एक पॉइंट दिखाई देता है। फ्रैक्शन का एक स्पेशल फॉर्म है जिसमें हमें एक पॉइंट दिखाई देता है। जैसे 6/4 है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। 6/4 में एक न्यूमरेटर दिख रहा है, एक डेनोमिनेटर दिख रहा है। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन दिखे, इसका मतलब डेनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 4 से 6 में जब डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4 और 2 आया। अब इसके बदले में पॉइंट और यहाँ 0, तो 4 5 जा 20। देखो, यही फ्रैक्शन हमारा डेसिमल के फॉर्म में आ गया, डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया जिसमें एक हमें पॉइंट दिख रहा है, इसी को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन का एक स्पेशल फॉर्म जिसमें हमें एक पॉइंट दिखाई दे, उसी को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। डेसिमल देखो, फ्रैक्शन का एक स्पेशल फॉर्म होता है, फ्रैक्शन का स्पेशल फॉर्म जिसमें एक हमें पॉइंट दिखाई दे, एक हमें पॉइंट दिखाई देता है, उसी को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल को। प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल में पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि कोई डेसिमल फ्रैक्शन है, कोई डेसिमल फ्रैक्शन है, मान लो यही एग्जांपल हम लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डेसिमल का पहला पॉइंट ये है कि किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसमें डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है उसको हम लोग डेसिमल पार्ट बोलते हैं। डेसिमल के बाद वाला पार्ट डेसिमल पार्ट, और डेसिमल के पहले वाला पार्ट इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल जो बीच में उसको डेसिमल, जो पॉइंट है उसको हम लोग डेसिमल बोलेंगे, ठीक है। ये है पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज को समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल पॉइंट नंबर 2। अगर कोई डेसिमल फ्रैक्शन है, कोई डेसिमल फ्रैक्शन है और डेसिमल के पहले अगर 0 है, कोई डेसिमल फ्रैक्शन है और डेसिमल के पहले अगर 0 है, तो उस 0 को आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको आप 0.04 भी आप बोल सकते हो। ये था प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर 3 को समझते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3 ये बोल रहे हैं कि अगर कोई डेसिमल फ्रैक्शन है, मान लीजिए 4.596 है, कोई डेसिमल फ्रैक्शन है आपके सामने, तो पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद हम उसको लगातार नहीं पढ़ेंगे, उसको 1/1 पढ़ेंगे। 1/1 मतलब 596 नहीं पढ़ेंगे, डेसिमल के बाद इसको 1/1 करके डिजिट के हिसाब से इसको पढ़ेंगे, 5, 9 और 6। प्रॉपर्टीज नंबर 4 को समझते हैं, डेसिमल के प्रॉपर्टीज नंबर 4 को यही एग्जांपल से समझेंगे। 4.596 है मान लो, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, डेसिमल के बाद कितना प्लेस है? 3 प्लेस। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होता तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस बोलते हैं, यानी डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा उतना प्लेस हम उसको बोलेंगे, ठीक है। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल। प्लेस वैल्यू चार्ट इन डेसिमल फ्रैक्शन, इसका एग्जाम्पल हम लोग ने लिया। इसमें क्या है कि बीच का जो पॉइंट है वो डेसिमल है, पॉइंट के जस्ट बट 10th प्लेस है, 10th यानी 6/10th जो भी नंबर रहेगा उसको 10th से हम डिवाइड करेंगे। ये हमारा जब डिवाइड किए तो 0.6 आया। 7 जो है वो 100th प्लेस पे है, 7 कौन सा प्लेस पे है? 100th प्लेस पे, तो 7/100, जब 100 से 7 को डिवाइड करोगे तो 0.07 आएगा। पॉइंट के बाद जस्ट 7 नहीं है, पॉइंट के बाद 0.07 है, पॉइंट के दूसरे प्लेस पे 7 है, यानी इसका मतलब पॉइंट के दूसरे प्लेस पे 7 होगा पॉइंट के बाद। तीसरा प्लेस पे जो है वो 1000 है, 1000 यानी 8/1000, 8/1000, देखो 1000 से इसको डिवाइड करके पॉइंट के बदले 10 80 नहीं लगेगा, फिर 10 डालेंगे, क्यों? क्योंकि लगातार 20 हमने उतारा, 800 भी नहीं लगा, फिर लगातार हमने 30 उतारा, तो लगातार 30 के बदले 20, तो 8 टाइम्स में 8000। अब पॉइंट के बाद तीसरे प्लेस पे 8 है, 20 के बाद, इसका मतलब तीसरा प्लेस यानी पॉइंट के तीसरे प्लेस पे 8 है, तो पॉइंट के तीसरे प्लेस पे 8 है कि नहीं है? तो इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये है प्लेस वैल्यू चार्ट डेसिमल के बाद वाला। अब डेसिमल के पहले जैसे आप लोग शुरू से काउंट करते आ रहे हो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स,
थाउजेंड, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? जैसे आप लोग काउंट करते हो उसी तरीके से वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, लेकिन पॉइंट के पहले सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि टेंथ प्लेस हो जाता है, टेंथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हंड्रेड, उसके बाद थाउजेंड, ठीक है। टेंथ अगर रहेगा तो उसको टेंथ से डिवाइड करेंगे, हंड्रेड रहेगा तो हंड्रेड से डिवाइड करेंगे, थाउजेंड रहेगा तो थाउजेंड से डिवाइड करेंगे। ये था प्लेस वैल्यू चार्ट इन डेसिमल फॉर्म। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, कहाँ चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज ए फिर से देख लो, सब के लिए हो जाएगा, हल्ला नहीं, हम खुद बता देंगे, हल्ला नहीं करो, सारा हम बता देंगे, हर एक क्वेश्चन से दो दो एग्जांपल, एक टफ वाला एक आसान वाला, और ध्यान से एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज ए को समझते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज ए में, राइट द फ्लोइंग डेसिमल फ्रैक्शन एज डेसिमल। आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है। जैसे पहला है वन बाई टेन, वन बाई टेन आपके सामने फ्रैक्शन है, इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है, यानी डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमको पता है कि ये न्यूमरेटर होता है और फ्रैक्शन के नीचे वाला हिस्सा डेनोमिनेटर होता है। तो हम बताए हैं कि जब भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दिखाई दे, इसका मतलब डेनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा, तो टेन से हम वन को डिवाइड करेंगे, टेन से जब डिवाइड करेंगे वन को तो डिवाइड नहीं होगा, तो एक जीरो जब बैठाएंगे तो उसके बदले में पॉइंट, टेन मंजा टेन, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना आया पॉइंट वन, कोई दिक्कत? एक और इसका एग्जाम्पल, ये नंबर ए था, एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के को समझते हैं, पहला क्वेश्चन का एग्जाम्पल के, हल्ला नहीं करना आप लोग, नहीं बता दे रहे, रुको ना, थ्री टू फाइव वन सिक्स, थ्री टू फाइव वन सिक्स बाई वन थाउजेंड। यहाँ ये न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा, तो डिनोमिनेटर यानी थाउजेंड है, थ्री टू फाइव वन सिक्स जो है वो डीवी, देखते हैं इसको डिवाइड करके थाउजेंड से, वन टाइम, वन टाइम में नहीं, थ्री टाइम में, थ्री थाउजेंड वन फाइव टू ये जीरो, टू फिफ्टी वन आ गया, तो टू हंड्रेड फिफ्टी वन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो फोर डिजिट थाउजेंड है, थाउजेंड में आना चाहिए, ऊपर से सिक्स उतारेंगे तो टू टाइम में टू थाउजेंड, यहाँ से फाइव सिक्स वन और फाइव आ गया, यहाँ जीरो, तो यहाँ तीन डिजिट आ गया, और हमको चाहिए फोर डिजिट, यहाँ पॉइंट बैठाएंगे और इसके बदले में एक जीरो, फाइव टाइम में फाइव थाउजेंड, फाइव टाइम में फाइव थाउजेंड, जीरो सिक्स वन और जीरो, यानी आंसर कितना आया वन सिक्स जीरो आया अभी, तो वन सिक्स जीरो, तो इसके बगल में एक और जीरो, फिर वन टाइम में वन थाउजेंड, जीरो जीरो सिक्स, फिर सिक्स सिक्स हंड्रेड आया, तो फिर सिक्स टाइम में यहाँ जीरो बैठा के सिक्स टाइम में सिक्स थाउजेंड। इस तरीके से आप लोग बनाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, क्वेश्चन नंबर टू, राइट द फ्लोइंग एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। वहां क्या था पहले क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन से डेसिमल में करना था, यहाँ डेसिमल से फ्रैक्शन में करना है, यहाँ डेसिमल से फ्रैक्शन में करना है, तो डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग पहले सारा चीज जान चुके हैं कि पॉइंट के बाद सेवन दूसरे प्लेस पे, इसका मतलब पॉइंट के दो प्लेस के बाद ये नंबर डिविजिबल होगा, यानी पॉइंट के बाद कितना डिजिट है दो डिजिट, तो इसका मतलब सेवन को जरूर ये हंड्रेड से डिवाइड किया होगा, दो जीरो वाले नंबर से हम ऐसे डिवाइड करेंगे, तब ना ये जाके पॉइंट के दूसरे प्लेस पे, दूसरे पॉइंट के दो प्लेस पे जाके डिविजिबल हुआ है, ठीक है। कौन से जीरो, दो जीरो लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर है, पहले जीरो का कोई वैल्यू थोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर टू देखो, पहला जो क्वेश्चन था वो फ्रैक्शन से डेसिमल में करना था, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो डेसिमल से फ्रैक्शन में करना है, तो पहला एग्जाम्पल ए नंबर जो है 0.07 है, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट है पॉइंट के बाद, यानी सेवन जो है वो टेंथ नहीं हंड्रेड प्लेस पे है, तो सेवन को हंड्रेड से डिवाइड किए, समझ में आ रहा है। उसके बाद एफ नंबर, एग्जांपल नंबर एफ, 36.125, पॉइंट के बाद हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, वन बाई वन करके पढ़ते हैं, तो पॉइंट के बाद 125 पढ़ेंगे, 125 नहीं पढ़ेंगे, 125। अब देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, थ्री डिजिट है, इसका मतलब टेंथ हंड्रेड थाउजेंड, यानी ये इसका मतलब ये है, पॉइंट के बाद थ्री डिजिट का मतलब ये है कि पॉइंट के तीन प्लेस के बाद ये जाकर कंप्लीटली डिविजिबल हुआ है, इसका मतलब
36125 को हम लोग थाउजेंड से डिवाइड करेंगे, थाउजेंड से डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत? पॉइंट के बाद जितना डिजिट है वही नंबर से हम लोग, वही नंबर वाले जीरो से हम लोग डिवाइड करते हैं। पॉइंट के बाद डिजिट को काउंट कर लेना 1 2 3 और उतना ही जीरो वाले नंबर से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो कंप्लीट ये डिविजिबल कहाँ पे हो रहा है, टेंथ हंड्रेड थाउजेंड प्लेस पे कंप्लीट हो रहा है, तो थाउजेंड से डिवाइड करेंगे। यहाँ टेंथ और हंड्रेड प्लेस पे कंप्लीट हो रहा है तो हंड्रेड से डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत? समझ गया ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझो। राइट द फ्लोइंग डेसिमल इन वर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है उसको वर्ड में लिखना है, वर्ड में लिखने का मतलब जैसे देखो ए नंबर 6.1 है तो इसको लिख लेना 6.1। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल, इसका एग्जांपल एक और नहीं बताते हैं, बना लेना। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है 0.26, यहाँ वर्ड में दिया हुआ है पहले से 0.26, यहाँ वर्ड में पहले से दिया हुआ है तो आपको इसको डिजिट में डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है, तो 0.26 हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव जीरो लिख भी सकते हैं, हम बता चुके हैं प्रॉपर्टीज में। पॉइंट नंबर फाइव राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन प्लेस वैल्यू चार्ट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स ऑफ डिजिट। हाँ, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है तो सबसे पहले आप ऐसे बना लेना। देखो प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या करना, सबसे पहले चार्ट वाला मसाला उठाना है, उसके बाद काबली चना उठाना। अब जैसे जैसे उठाए थे वैसे वैसे रख देना और फिर कॉपी किताब निकाल लेना। कॉपी किताब निकाल के फिर देखो कैसे करना, हम बता चुके हैं कि बीच में ऐसे डेसिमल, उसके बाद टेंथ प्लेस कर लेना, उसके बाद हंड्रेड प्लेस कर लेना, बुक वाला ही बता रहे हैं, उसके बाद थाउजेंड कर लेना। ये है डेसिमल के बाद वाला प्लेस वैल्यू, इसके डेसिमल के पहले ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड हो गया और ये थाउजेंड हो गया। थाउजेंड तक ही बनाना और करना क्या, देखो थोड़ा सा हम छोटा कर रहे हैं इधर, हंड्रेड थाउजेंड, ये आप लोग ऐसे लाइन थोड़ा स्केल का यूज़ करना और पेंसिल का यूज़ करना, ऐसा नहीं कि रफ में बना लेना ऐसे ही, और एक एक लाइन के बीच में जो है ऐसे थोड़ा सा उसको लाइन कर देना। अब देखो कैसे इसको बनाना आसान कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर ए यहीं पे उतार लेना इसके सामने। क्वेश्चन नंबर ए जो है मान लो 0.78 है, 0.78 नहीं, ऐसा तुम इसको बनाना ना कि कॉपी में अट जाए और इतना जगह भी इधर थोड़ा सा बच जाए क्वेश्चन उतारने को। डेसिमल के बाद सेवेंथ जो है वो टेंथ प्लेस पे है तो टेंथ के सामने सेवन, एट जो है वो हंड्रेड प्लेस पे है, टेंथ और हंड्रेड, हाँ देखो सेवन टेंथ प्लेस पे तो टेंथ हो गया, एट जो है वो हंड्रेड प्लेस पे तो एट लिख दिए, और पॉइंट है तो डेसिमल और पॉइंट के पहले जीरो जो है वंस प्लेस पे, इस तरीके से सारा बना लेना। दूसरा क्वेश्चन मान लो बी नंबर, एग्जांपल बी हम लेते हैं 6.345, तो थ्री जो है वो टेंथ प्लेस पे है तो थ्री ऐसे लाइन मतलब खींचा हुआ होना चाहिए, ये लाइन ऐसे खींचा हुआ होना चाहिए, सब अलग अलग होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ थ्री टेंथ प्लेस पे है, फोर जो है वो हंड्रेड प्लेस पे और फाइव जो है वो थाउजेंड प्लेस पे है, डेसिमल लिख लेना यहाँ पे, डी लिख देना, और सिक्स जो है ये वंस प्लेस पे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फाइव को बनाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो बोल रहा है वो एक्सपैंड करना है आपको, डेसिमल फ्रैक्शन को एक्सपैंड करना है। जैसे 1.86 है, 1.86 इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने का तरीका देखो, तरीका दो तरीके एक्सपैंड करने का, सॉल्यूशन पहला ये वन जो है ये वंस प्लेस पे है तो वन इंटू वन, चाहे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, वन जो है वंस प्लेस पे, फिर प्लस एट जो है वो टेंथ प्लेस पे है तो पॉइंट एट लिख सकते हैं ना, प्लस पॉइंट जीरो सिक्स, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद सिक्स नहीं है, पॉइंट के एक डिजिट के बाद सिक्स है, तो पॉइंट के एक डिजिट के बाद सिक्स को हम लाएं। अगर यहाँ पे एक और नाइन रहता तो हम पॉइंट जीरो जीरो नाइन लिखते। समझ आ रहा है?
अपने से डालना है, अपने से पॉइंट डालना है। आ रहा समझ में? इस तरीके से बनाइएगा, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। पॉइंट के बाद जस्ट एट है तो पॉइंट के जस्ट बाद एट लिख दिए, पॉइंट के एक डिजिट के बाद सिक्स है तो पॉइंट के एक जीरो के बाद सिक्स लिखेंगे। आ रहा समझ? दूसरा क्वेश्चन, आई नंबर, आई फोन, आई सेवन, 7.314 आई, आई नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7.314 का एक्सपेंड करें आप, तो सेवन वंस प्लेस पे है प्लस 0.3 प्लस 0.01 प्लस 0.004। दूसरा तरीका इसका बनाने का, 7 प्लस 3 जो है कौन से प्लेस पे है, 10th, तो 3/10। 1 कौन से प्लेस पे है, 100, तो 1/100 प्लस 4 कौन से प्लेस पे है, 1000, तो 4/1000। इसलिए हम बता दिए ना बबुआ कि कहीं पे अगर दिखेगा ना बाबू भाई क्वेश्चन नंबर 7 में दिख रहा है तो आप लोग घबराना नहीं, वही सेम चीज है, या तो इसको ऐसे लिखो या तो उसको ऐसे, सेम चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला था कि डेसिमल फ्रैक्शन को एक्सपेंड करना है, यहाँ 7 में एक्सपेंड पहले से किया हुआ आपको सॉर्ट करना है, एक्सपेंड पहले से किया हुआ इसको सॉर्ट करना है। देखो पहला क्वेश्चन को समझते हैं, ए नंबर प्लस 0.3 प्लस 0.05, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, देखो ध्यान से देखना, 8 सिर्फ है, पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट, इसका मतलब डेसिमल से पहले ये सब है, यानी ये सब जो है वो डेसिमल से पहले दिखाई दे रहा है, ये सब जो दिखाई दे रहा है डेसिमल, ये डेसिमल के बाद वाला है, साफ है, साफ दिख रहा है। अब ये 8 वंस प्लेस पे है, 8 वन जा 8 यानी वंस प्लेस पे है, तो 8 लिखेंगे ऐसे पॉइंट के जस्ट पहले वंस प्लेस पे, 70 7 10 जा 70 यानी 7 टेंस प्लेस पे है, तो 7 यहां टेंस प्लेस, वंस टेंस। ये पॉइंट के बाद जस्ट 3 है, यानी पॉइंट के जस्ट बाद 10th प्लेस पे ये 3 है, पॉइंट के 10th 100th प्लेस पे 5 है, तो अपना पॉइंट 10th और 100th प्लेस पे 5 लिखें। कहीं पे आपको ऐसा भी दिखाई देगा, ध्यान से देखना, अब तो तुम बोलोगे कि सर पॉइंट हम अगर लिख दिए तो पॉइंट के जस्ट बाद 3 नहीं है तो का करे सर, ए कहां तुम देख रही हो, तुम्हारे बगल में फीफा, कहां तुम देख रही है, मोर का है तुम, वो तो देख रही हो, उसका पानी पीना है तुमको, बौड़ा ही एकदम है, हमको तो समझ में नहीं आता, मारेंगे तुमको इतना ना, एकदम पागल है। पॉइंट के जस्ट बाद 3 नहीं है, पॉइंट के जस्ट बाद 3 नहीं है, अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 0.3 है तो ऐसा पॉइंट के बाद 10th प्लेस पे 0 है, 100th प्लेस पे 3 है, तो यहाँ पे जब आप उतारोगे तो 3 को 100th प्लेस बनाओ, ये 10th प्लेस पे आ गया, तो एक 0 इसके पहले हम डालेंगे। आ रहा समझ में ऐसा क्वेश्चन में? हाँ, और यहाँ देखो पॉइंट के बाद जस्ट 10th 100,000 प्लेस पे है, तो यहाँ 5 लिख के चेक करेंगे कि 5,000 पे है कि नहीं, तो 10th 100,000 सही है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से बनाइएगा। दूसरा एग्जांपल को, 7 का दूसरा एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा एग्जांपल, जो कि आपके सामने डी है, एफ सी जो है वो बता चुके थे पिछले क्लास में, इसलिए डी बता रहे हैं। डी में 50 आपको दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, प्लस 0.7 प्लस 0.009, ध्यान से देखना, ध्यान से, आंख से नहीं ध्यान से, ध्यान से भी आंख से भी, देखो पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इधर वाला जो भी है वो डेसिमल पार्ट है और इधर वाला जो पार्ट है वो इंटीग्रल पार्ट है। देखो यहाँ डेसिमल पार्ट, इधर डेसिमल के आगे जो भी पार्ट दिख रहा है, डेसिमल वाला जो भी दिख रहा है वो डेसिमल पार्ट हो गया, और ये जो पार्ट दिख रहा है वो इंटीग्रल पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें 50 सिर्फ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 5 जो है वो 10th प्लेस पे है, कौन सा प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, तो 5 आप लिखें तो पॉइंट के बाद ये 1 प्लेस पे आ गया, तो 10th प्लेस पे कैसा है, पॉइंट के तरफ से इंटीग्रल पार्ट को पॉइंट के इधर से काउंट करते हैं, डेसिमल के
जो भी काउंट करेंगे या डेसिमल पार्ट का काउंट करेंगे प्लेस या इंटीग्रल पार्ट का काउंट करेंगे प्लेस, वो डेसिमल से स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल पार्ट का काउंट करना है तो डेसिमल से स्टार्ट करेंगे इधर की ओर, डेसिमल पार्ट का काउंट करना है तो डेसिमल से स्टार्ट करेंगे इधर की ओर। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जीरो डालेंगे क्योंकि फाइव हमको टेंथ प्लेस पे चाहिए। उसके बाद पॉइंट के जस्ट बाद सेवन है, यानी टेंथ प्लेस पे है तो पॉइंट के बाद सेवन, पॉइंट के टेंथ हंड्रेड थाउजेंड प्लेस पे नाइन है। तो अगर तुम यहाँ नाइन डाल दिए तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि टेंथ और हंड्रेड प्लेस पे आ गया। तो जीरो ऐसा जगह डालो कि सेवन टेंथ प्लेस पे ही रहे लेकिन नाइन हमारा थाउजेंड प्लेस पे चला जाए। तो यहाँ एक जीरो डाल देंगे। आ रहा समझ में? यानी साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट के जस्ट बाद सेवन है, काहे कि पॉइंट के जस्ट बाद सेवन, यहाँ पॉइंट के दो गो डिजिट के बाद नाइन है, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट के बाद नाइन करेंगे। समझ आ रहा है? यही तरीके से आपको बनाना है। तो आज के लिए एक्सरसाइज ए यहीं तक है। एक्सरसाइज ए कंप्लीट होता है, इस तरीके से आप लोग इसका हेल्प लेके बनाइएगा।